हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता क्या है और इसको हम सी लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के एग्जांपल के साथ। मान के चलिए कि आपके पास एक 10 कंप्यूटर्स हैं और आपके पास 5 बोटल्स हैं। अगर इन दोनों को हम एडिशन करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 कंप्यूटर्स हैं, मतलब कि 15 कंप्यूटर्स आपके ये हो जाएंगे। नहीं, ये लॉजिकली गलत होगा। ना ही हम कह सकते हैं कि 15 कंप्यूटर्स हैं और ना ही हम कह सकते हैं कि 15 बोटल्स हैं। तो हम दो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। ना हम इसमें एडिशन कर सकते हैं, ना हम डिवीजन कर सकते हैं, ना ही हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ना ही हम कोई और ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स रहते हैं सी लैंग्वेज में, जैसे कि आपका इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है। तो इस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, जब इनको कंबाइन करा जाता है, एक संग कैलकुलेशन करी जाती है, तो क्या होता है, अगर आपको जैसे करेक्टर है प्लस इंटीजर करना है, जैसे कि आपका ए है प्लस आपको 4 करना है, तो क्या होगा, क्योंकि ए तो आपका करेक्टर है और 4 आपका क्या है, एक इंटीजर है। तो जो मिस्टर कंपाइलर है, तो वो क्या करता है, कंपाइलर क्या करते हैं, इस करेक्टर को इंटीजर में चेंज कर देता है और ये भी आपका इंटीजर है। तो इंटीजर और इंटीजर हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये सब जो काम होता है वो आपका कंपाइलर काम होता है, और वो किस बेसिस पे होता है वो भी हम देख लेते हैं। ये आपकी एक कन्वर्जन हायरार्की है। तो ये जो कन्वर्जन हायरार्की है, इससे क्या होता है, इससे कंपाइलर जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपका एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल टाइप में। जैसे कि आपका जो शॉर्ट और करेक्टर होता है वो आपका इंटीजर में चेंज हो जाता है, इंटीजर आपका अनसाइंड इंटीजर में, अनसाइंड इंटीजर लॉन्ग इंटीजर, फिर उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, फिर उसके बाद फ्लोट में, उसके बाद डबल में, उसके बाद लॉन्ग डबल में चेंज हो जाता है। अगर आपको इंटीजर को डायरेक्ट डबल में चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा। मतलब आपकी जो हायरार्की चलेगी वो आपकी इस तरह से चलेगी, मगर आपका जो कंपाइलर है वो सिर्फ इंटीजर से फ्लोट या फिर इंटीजर से डबल या फिर इंटीजर से अनसाइंड डायरेक्टली जंप कर सकता है। और एक क्वेश्चन और है, वो भी हम कवर कर लेते हैं, कि जो कंपाइलर है वो आपका केवल करेक्टर से इंटीजर ही क्यों जाता है। अगर इंटीजर से करेक्टर आना होता है तो वो क्यों नहीं करता है, या फिर आपका जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि डबल है, डबल से आप इंटीजर में क्यों नहीं आ पाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका कंपाइलर है, सोचिए कि मुझे 2 वैल्यू का एडिशन करना है, एक 4 है और एक आपका है 4.5। तो 4 आपका क्या है, एक इंटीजर है, 4.5 आपका क्या है, एक फ्लोट है। तो मान के चलिए कि जो कंपाइलर है, कंपाइलर ने क्या किया कि इस 4.5 को इंटीजर में चेंज कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। इंटीजर वैसे फ्लोट में चेंज होता है, मगर कंपाइलर ने कर दिया ऐसा, जो कि नहीं करता है वो। तो 4 और 4.5 आपका पहले, सबसे पहले अगर ये फ्लोट जो है वो इंटीजर में चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, 4.0 हो जाएगा, मतलब कि 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका 4 ही रहेगा एज इट इज़, और 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। मगर जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 4 प्लस 4.5 कितना आना चाहिए, 8.5 आना चाहिए। तो 8.5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर ने क्या किया, फ्लोट को इंटीजर में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, कंपाइलर से मिस्टेक हो गई। तो ये मिस्टेक कंपाइलर बिल्कुल नहीं करता है। तो कंपाइलर क्या करता है, इंटीजर को वो फ्लोट में चेंज करता है, ना कि फ्लोट को इंटीजर में चेंज करता है, वो हायर वैल्यूज में चेंज करता है। क्यों, क्योंकि आपकी जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एज इट इज परफॉर्म हो सके और आपको एक्चुअल वैल्यूज मिल सके, मतलब कि 8.5 मिल सके आपको वैल्यूज। तो इस तरह आपके जो कंपाइलर है वो सिर्फ आपका अबव हायरार्की में ही वर्क करता है, ताकि आपको कोई भी कहते कैलकुलेशन में एग्जैक्ट आंसर मिल सके।
तो अभी यही देख लेते हैं आपका। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इंटीजर बी इक्वल टू 2 और एक फ्लोट लिया है हमने। तो जैसे ही ये कंपाइलर इस प्रोग्राम को रन करेगा तो वो क्या करेगा, एक बी ब्लॉक बनाएगा और एक फ्लोट का एक्स ब्लॉक बनाएगा और एक ए ब्लॉक बनाएगा और एक वाई ब्लॉक बनाएगा और एक जेड ब्लॉक बनाएगा मेमोरी के अंदर। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बना देगा और बी में कितनी वैल्यू दे देगा, वो 2 वैल्यू दे देगा। एक्स में कितनी, 4.5 वैल्यू दे देगा। और ए में कितनी वैल्यू दे देगा, क्योंकि अभी कुछ है नहीं है तो गार्बेज वैल्यू कुछ भी दे सकता है। और वाई में कितनी, 15.5 वैल्यू। और जेड में आपकी 40 वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से आपकी वैल्यू इसमें आ जाएंगी और इसके बाद कैलकुलेशन होगी। तो इस कैलकुलेशन को हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये कंपाइलर वर्क करता है एक एक करके टाइप कन्वर्ट करके हम। तो ये आपकी सेम कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आपका जो जेड है, तो यहाँ पे आपका जो जेड है वो क्या हो रहा है, जेड आपका क्या है, एक लॉन्ग इंटीजर है और बी आपका क्या है, इंटीजर है। तो हमने हायरार्की में देखा था कि इंटीजर जो है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटीजर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लॉन्ग इंटीजर में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो बी है इंटीजर है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये लॉन्ग इंटीजर है तो आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग इंटीजर में, ठीक है। और इसके बाद दोनों को हम डिवीजन कर देंगे तो टोटल जो हमारा आएगा वो लॉन्ग इंटीजर आएगा, मतलब कि 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा आपका, 20 इसका आंसर आ जाएगा। अभी ये वाला देखते हैं। तो बी आपका क्या है, एक इंटीजर है, एक्स आपका क्या है, फ्लोट है, तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो एक्स बी आपका क्या हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आंसर में आपका दोनों फ्लोट आएगा। टोटल फ्लोट आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 20 और ये 9 और ये आपका क्या है, y आपका डबल है यहाँ पर। तो इसके बाद क्या होगा, इन दोनों में पहले एडिशन होगा। तो ये लॉन्ग इंटीजर और ये फ्लोट है, तो बड़ा आपका फ्लोट है तो लॉन्ग इंटीजर आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले आपका लॉन्ग इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट होगा और इसके बाद दोनों आपके फ्लोट में आंसर आ जाएंगे। तो टोटल आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 29 आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, माइनस आपका डबल। तो पहले फ्लोट को चेंज करना पड़ेगा डबल में ताकि कैलकुलेशन हो सके, तो ये डबल में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद दोनों आपके लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो डबल में आएगा। तो 29 माइनस 15.5 कितना आएगा, 13.5। तो इस तरह से आपका 13.5 आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। और इसको हम किस में सेव करा रहे हैं, ए में सेव करा रहे हैं, जो कि क्या है, एक आपका डबल है। तो अगर आप ए वैल्यू सेव कराते हैं, कोई भी डबल वैल्यू सेव कराते हैं ए के अंदर, जैसे 13.5 करा रहे हैं हम, तो ईजिली आपका 13.5 आ जाएगा और आंसर में भी आपका प्रिंट कराएंगे तो 13.5 आएगा। और एक चीज़ और यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो आपका अभी आंसर जो देखेंगे आपका ए का आंसर 13.5 आएगा और इसे हम कर देंगे फ्लोट, डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 13.5 यहाँ पर आंसर। मगर एक कंडीशन और लेके चलते हैं, अगर आपका ए जो है वो एक इंटीजर होता तो क्या होता, इंटीजर होता तो क्या होता, अगर हम ए जो आपका इंटीजर है उसमें आप 13.5 डलवा रहे हैं जो कि डबल है, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका 13.5 जो है उसमें से आपकी पार्ट जो डेसिमल वैल्यूज हैं वो चले जाएंगी, मतलब कि 13 रह जाएगा, 13 आपका ए में आप सेव करा लेंगे, मगर आपका 0.5 है वो आपका चले जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जो है वो यही है कि आप अगर डबल वैल्यू है तो वो डबल में ही सेव कराएं और आपकी इंटीजर वैल्यू है तो वो इंटीजर में सेव कराएं,
और आपका जो फ्लोट है तो वो फ्लोट में ही सेव कराएं। तो अभी हम ये सेम प्रोग्राम अपने कोड ब्लॉक पे भी रन करा के देख लेते हैं। तो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर, फ्लोट, डबल और लॉन्ग इंटीजर, हमने अभी देखा था। और इसके बाद नीचे हम कैलकुलेशन करा रहे हैं और इस कैलकुलेशन को हम सेव करा ले रहे हैं अपने ए वेरिएबल में, उसके बाद हम प्रिंट करा ले रहे हैं इसको। इसको हम बिल्ड और रन करा के देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर जो आ रहा है आपका 13.5 आ रहा है, जो कि आपका एक्चुअल आंसर था। तो अभी यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं जो कैलकुलेशन हो रही थी उसका आपका जो आंसर था वो कितना आ रहा है, डबल वैल्यू में आ रहा है, मतलब कि डबल टाइप में आ रहा है। और डबल टाइप को हम किस में सेव करा रहे हैं, ए जो है हमारा क्या है आपका डबल है, उसमें सेव करा रहे हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वो गलत नहीं आएगी। अगर आप किसी और वैल्यू में सेव कराएंगे, जैसे कि आपका वेरिएबल टाइप है, जैसे इंटीजर टाइप है, अगर हम ए को इंटीजर बना देते हैं, फिर यहाँ से हम हटा देते हैं यहाँ से, और उसके बाद आपका ए जो है वो इंटीजर बन चुका है, और इंटीजर में आप वैल्यू सेव करा रहे हैं जो 13.5 आ रही थी, और उसके बाद हम इंटीजर को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप प्रिंट कराएंगे तो देखते हैं कि क्या आता है। हम यहाँ से बिल्ड और रन कराएंगे, तो बिल्ड और रन कराने के बाद आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ रहा है 13। हमारी जो वैल्यू थी वो थी 13.5, जो कि 13 बन चुकी है क्योंकि हमने इंटीजर में सेव करा लिया इसे। तो अगर आप हायर हायरार्की में, जैसे कि आपका फ्लोट है, डबल है, इन सब को इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, इन सब में सेव कराएंगे, तो आपकी वैल्यूज जो है वो आपकी गलत आ सकती है, मतलब कि आपकी जो पार्शियल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 4.5 है जिसमें कि आपका 0.5 है, वो जा सकता है और आपकी एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी। मगर आपका जो नीचे से हायरार्की चलती है, जैसे कि इंटीजर है, साइन इंटीजर है, इसको ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करता है, फ्लोट और डबल में चेंज कर देता है एज पर रिक्वायरमेंट, ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजिली हो सके और आपको एग्जैक्ट आंसर मिल सके। तो अगर आप हायर हायरार्की से लोअर हायरार्की में आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी वेरिएबल में सेव कराना पड़ेगा ताकि आपकी कैलकुलेशन का जो आंसर है वो सही आ सके। तो ये था आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो आई होप आपको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, मीट मी इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। Your feedback is valuable for all. So please comment, like and share with your friends. Thank you.